तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आज क्या हुआ है। तुम सबको पता है कि आज द पीक फिक्शन द ग्रेटेस्ट एरा हैज़ कम टू एन एंड। एरिन की सफरिंग, उसका दर्द, उसकी जर्नी, सब खत्म। दो जब अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत हुई थी, हाजी में सियामा जिन्होंने एओटी को लिखा है, एओटी के जो ऑथर है, उनके शो को रिजेक्ट कर दिया गया था 2013 के समय में। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने एक और बार फिर से ट्राई किया और आज के समय में तुम्हें पता ही है कि उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। एंड फॉर दिस आरिगा तो सियामा सेंसे फॉर गिविंग अस दिस लवली गिफ्ट। तो मेन विषय पे चर्चा कर लेते हैं इस एपिसोड पे और थोड़े से स्पॉयलर्स पे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक तो एपिसोड देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूँ इस एपिसोड की कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। तो एरमिन, मिकासा और बाकी सब लोग ट्राई करते हैं 3 अटेम्प्ट ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और एरिन को बचाने के लिए, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करने पे आर्मिन पकड़ा जाता है ओकाबी नाम के शायद टाइटन से, और सेकेंड अटेम्प्ट में वो सब लोग भाई कॉर्नर हो जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ आती है एनी, गाबी, फैल्को के टाइटन पे उड़ते हुए, और फैल्को ऐसा पहला टाइटन शिफ्टर है जो उसके टाइटन के साथ उड़ सकता है। और फिर मिकासा का लेजेंडरी सीन होता है जिसके बाद वो लोग थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, लेकिन इस अटेम्प्ट में उनके पास काफी ज्यादा पावर थी क्योंकि एरमिन में पार्ट्स पे जहाँ पे सारे एल्डियंस कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे उसने जीक के ऊपर टोक्नोजुत्सु यूज कर लिया था और उसे मना लिया था, जिसके बाद काफी सारे प्रीवियस टाइटन शिफ्टर्स उनकी मदद करने के लिए आते हैं जैसे कि ग्रीशा, यमीर और बर्टोल्ड। अब वैसे तो मुझे पूरा एपिसोड ही पसंद आया, लेकिन इसमें मेरे काफी सारे पसंदीदा मोमेंट्स थे, जैसे कि जब लिवाई कहता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें एरिन को मारना ही पड़ेगा, तब भाई मिकासा के ऑफ एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, भाई दिल टूट गया। और एरमिन रोता है, वो कहता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं गार्बेज हूँ। एंड एरिन कहता है कि मैं मिकासा से प्यार करता हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है, वो वाला मोमेंट भी। और मिकासा जब एरिन की गर्दन काटती है और जब वो उसे किस करती है, भाई वो वाला मोमेंट भी। और बैक टू टॉपिक, तीसरे अटेम्प्ट में जॉन एरिन की गर्दन उड़ा देता है एक्सप्लोजन से, मिकासा एरिन की गर्दन काट देती है, जिसके बाद एरिन खुद का फिर से एक टाइटन बनाता है। फिर एरिन और आर्मिन की फाइट होती है, जिसके बाद एरिन और आर्मिन की गहरी कन्वर्सेशन होती है, और इस कन्वर्सेशन में हमें बहुत सारे राज पता चले, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे कि एरिन बताता है कि उसने ही उसकी मॉम को मारा, वो उसकी चॉइस थी। एरिन की दूसरी मॉम जब एरिन की माँ को खाने आ रही थी, तब एरिन की मॉम नहीं मरने वाली थी वहाँ पे मरने वाला था बर्टोल्ड, लेकिन एरिन को बर्टोल्ड की जरूरत थी उसका प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। जो अभी रंबलिंग स्टार्ट हुई है, जो अभी करंट सिचुएशन है, वो उसके बगैर हो नहीं पाती क्योंकि एरमिन को बर्टोल्ड के टाइटन की जरूरत थी। और एरिन को इन सारी चीजों का पता, ये पूरा फ्यूचर मेडल सेरेमनी में ही पता चल गया था। और इन्हीं सब के बीच में मिकासा ने एरिन की गर्दन उड़ा दी थी, उससे किस करने के बाद ये सब खत्म हो जाता है, रंबलिंग पूरे तरीके से रुक जाती है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड देखते हुए भाई मैं एकदम दिल से रोया, मतलब पूरा मन भर के। मिकासा एरिन का सर हाथ में लेके उसे दफनाने के लिए जाती है जो एरिन की पसंदीदा प्लेस थी वहाँ पे। मिकासा यमीर को रेस्ट इन पीस बोलती है और मिकासा उसी प्लेस पे जाके एरिन के सर को दफना देती है। और हमें पता चलता है कि मिकासा की जो विश थी, उसकी जो डिजायर थी, वो थी टाइटन पावर्स को वैनिश कर देना पूरे तरीके से, जिसके बाद पूरे टाइटन्स और टाइटन्स की पावर खत्म। और एरिन के मरने के बाद भी मिकासा उससे प्यार करती रही, उसने किसी को देखा तक नहीं। और इसी के साथ एरिन की सफरिंग, अटैक ऑन टाइटन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं अपना वर्स आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।